मैट्रिक इंटर छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब मिलान करो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल आंसर की से अपने ऑब्जेक्टिव का। तो जो भी छात्र इस बार एग्जाम दिए हैं वे अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान बुक से कर चुके हैं या यूट्यूब के वीडियो देख करके आप कर चुके हैं या किसी अन्य वेबसाइट से कर चुके हैं, तो बिहार बोर्ड भी इस तिथि को ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा और सभी छात्र इस ऑफिशियल आंसर की से अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकेंगे। तो बिहार बोर्ड ने इसके लिए तिथि जारी कर दी है कि वह कब ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा, तो उस न्यूज़ को भी हम देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आंसर की क्या होता है। तो देखिए, बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, मतलब जिस आधार पर बिहार बोर्ड OMR की जाँच करेगा और जिस आधार पर वह मार्किंग करेगा ऑब्जेक्टिव का, तो इसके लिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है ताकि छात्र जो है अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सके और संतुष्ट हो सके कि उसको कितना मार्क आ रहा है, और साथ ही छात्र यह भी देख सके कि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव जारी किया है उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, ताकि छात्र इस पर आपत्ति दर्ज करें और ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने त्रुटि आंसर की जारी की है उसमें वह सुधार कर सके। तो इसलिए जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आंसर की जारी होता है। तो चलिए अब हम न्यूज़ को जान लेते हैं कि बिहार बोर्ड जो है कब ऑब्जेक्टिव का ऑफिशियल आंसर की जारी करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई है, इंटरमीडिएट की कॉपी जांच शुरू हो गई है जो 9 मार्च तक चलेगी। परीक्षा के बाद सभी छात्र रिजल्ट को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। सभी छात्र यही सोच रहे हैं कि इस बार कैसा रिजल्ट रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर आई है कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव का ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा। सूत्रों की माने तो बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव का ऑफिशियल आंसर की मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी करेंगे। सभी छात्र अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान बिहार बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की से करेंगे। अगर ऑफिशियल आंसर की में कोई त्रुटि नज़र आए तो बिहार बोर्ड आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए भी तिथि जारी करेंगे। तो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। तो छात्र बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां पर अभी हम पहले थे वहां से आप जो है ऑब्जेक्टिव का PDF लोड कर पाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकेंगे। तो आप लोग जानना चाहते हो कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आंसर की हम कैसे डाउनलोड करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही आंसर की अपलोड हो उनके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।